brought to you by YY ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल Life is so sleek in my kitchen Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited Kapal ko saundarya sazauna ko lagi Poonam Mehndi Kanak Designer Studio Pasal number T23 ra 34 City Center Kamal Pokhari हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शका में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो नमस्कार मारवाड़ी गीत संगीत रहन सहन खानों पीणों रीति रिवाज समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको अभिवादन आओ कार्यक्रम न आगे बढ़ावा देखा कुछ गतिविधियां अपनो यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव को 50 सप्ताह पूरा होने की खुशियाली कुछ अलग तरह से मनाई गई। इस अवसर पर हिमालय टेलीविजन परिवार की तरफ से पशुपति वृद्धा आश्रम में शनिवार दही चूड़ा वितरित किया गया और वृद्ध वृद्धा के संग लोग समय व्यतीत किया। इस कार्यक्रम में हिमालय टेलीविजन का अध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल जी और उना का परिवार के साथ समाज का अनेक लोग उपस्थित था। आप सबने बेरो है कि परसों जन्माष्टमी संपन्न हुई। लोग बाग आपके आपके तरीके से भगवान श्री कृष्ण को जन्मोत्सव मनाया। ऐं सिलसिले में श्याम सत्संग मंडल भगवान को जन्मदिन अग्रवाल सेवा केंद्र के मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन के संग मनायो। भगवान को श्रृंगार बहुत सुंदर थो। अयाई मैती देवी मित्र परिषद द्वारा महेश्वरी भवन में जन्माष्टमी को कार्यक्रम आयोजित करे गयो। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज अपने कने एक नहीं तीन तीन अतिथि है और तीनों युवा लोग है। अपने मारवाड़ी सेवा समिति नेपाल का अंतर्गत एक युवा मंच गठन हुयो है। तदर्थ समिति का सभापति संजय अग्रवाल अपने सागे है और दूसरा अपना अतिथि है लॉर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंकज जालान और तीसरा अपना अतिथि है जगदम्बा ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल अग्रवाल। आज ये लोग से आप युवा मंच एक कार्यक्रम जल्दी ही करने जा रहे हो फन फेयर उनके बारे में जानकारी लेवांगा थोड़ी बहुत और युवा सोच की बातचीत करांगा। कार्यक्रम में आप लोगों को स्वागत है। ये अपनी जो मारवाड़ी युवा मंच जो तदर्थ समिति गठन हुई है एक बारे में संक्षेप में बताओ नहीं कुछ। विकी या यूथ ब्रीड है, मतलब 40 साल से नीचे का जो भी का मेंबर है मारवाड़ी सेवा समिति का विकी या टीम है मारवाड़ी युवा मंच तदर्थ समिति। अच्छा, आप लोग अभी तुरंत में जी के कार्यक्रम करने का सोच बनाया हो? मैं जो आगामी शनिवार 18 तारीख भादो दो गते ने मैं एक फन फेयर टाइप का प्रोग्राम ब्रिक्यूटी मंडप में करने लग रहा है। बीमा मारो फन फेयर तो है बिका साथ में मैं बीमा थोड़ा सा अट्रैक्शन भी डाले हैं। बीमा में लोग भारत से जो मशहूर बैठक हास्य कलाकार जो है भारती सिंह विनय में लोग बुलाया है बाबी बीमासी बीका अलावा में लोग बीमा फैशन शो कराने लाग रहा है। बीमा कुछ मैजिक शो वगैरह है, बच्चा लोगों की गेम बैठा है, खास करके बच्चा लोग गेम एग्जिबिटर स्टॉल वगैरह है बैठा है। मतलब एक कंप्लीट पैकेज देना चाह रहा है कि जो लोग बैठा आसी बिना आनंद हुआ वो अपना समय अच्छी तरह से बैठा काट कर जावा है। साहिल जी, जहाँ आप लोग इस युवा मंच के जो ये कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं वो आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं एज अ जॉइंट स्पॉन्सरशिप और हम इसको हमारा इधर स्टॉल रहेगा शंकर ग्रुप का और जगदम्बा स्टील का, जगदम्बा सीमेंट का, जगदम्बा फूड्स का, महिंद्रा का, जो जो हमारी कंपनी के भीतर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम उस कार्यक्रम में लेके आएंगे और उधर आने वाले लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। साथ में जो ये संस्था है उसको हम आगे भी जो जो इनके कार्यक्रम होंगे उसमें हम साथ में रह के और क्या सहयोग चाहिए और कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, देश के युवा को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली मारवाड़ी युवा को कैसे और
प्रोत्साहन दे सकते हैं उसमें हम लोग निरंतर सपोर्ट करेंगे। पंकज जी, जहाँ लॉर्ड बुद्धा जो कॉलेज है वो इन्हें की तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? इमाम महलोग वहाँ तो मेन स्पॉन्सर हैं, इसका अलावा महलोग एक फैशन शो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं पूर्व भारत लॉर्ड बुद्धा को यहाँ, और इसका अलावा जो यहाँ मेन स्पॉन्सर के हिसाब से हमारा बैठा स्टॉल हमारा भी रहेगा, हमारे एजुकेशन की जितनी भी होगा जानकारी आपा बैठा देवेंगा। और इना का जो कार्यक्रम हो रहे हो विमा मेरा आपको अनुभव भी सागर समेट कर मैं सागर सागर इनके सारा काम कर रहे हूँ, क्योंकि युवा लोग ने बढ़ाने के लिए स्पेशली मारवाड़ी युवा ने बढ़ाने के लिए मैं पहले से लागे रहूँ। नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी युवा संगठन भी मेरे संयोजक में बाद में गठन होकर के सुरेंद्र जी का अध्यक्ष, तो स्पेशली क्या हो रहा है कि हमारा जो मारवाड़ी युवा लोग है वे लोग संगठित हो को नहीं पा रहे। एक दूसरों के अपनों जो समाज है जो एक जगह विभिन्न किस्म के कार्यक्रम आप लोग की स्पॉन्सरशिप करा लोगों के प्रोग्राम में जावा आप लोगों को वो करा अपने समाज को आपको को नहीं कर पा रहा। तो जब इना को संजय जी को प्रस्ताव आया मेरे को ना कि ये टाइप को हम लोग कर रहे हैं तो मैंने बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज तक मन लगा को इतना बड़ा प्रोग्राम काठमांडू में अभी तक मारवाड़ी बैनर के तले हुए हो ई किस्म को, तो मैंने बहुत खुशी हुई। और आप खुद भी मारवाड़ी युवा होते हुए आप इन्हें सपोर्ट करा इन्हें कहीं अच्छो कर सका और आगामी दिन में इन्हें कंटिन्यूटी हो सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि एक बार होगी और आगे को नहीं हो पाए तो उतनो मजो को नहीं आओ, तो आगे की कंटिन्यूटी हो बोल कर का मैं लोग पूरो जो भी है तन मन धन जो बोला ना विषय पूरी तरीके से युवा महोत्सव ने सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, जहाँ आप लोग ये जो फन फेयर कर रहे हो एम अपनी मारवाड़ी कला संस्कृति या कह लो कि आपनों जो मतलब राजस्थानी कल्चर है उन चीज ने भी दिखाने की कुछ सोच बनाया हो के जो मारवाड़ी संस्कृति से रिलेटेड कुछ भी अगर बैठे डाल सका। मारा विचार है कि मैं भी मैं कुछ अपनों राजस्थानी सॉन्ग जो मारवाड़ी सॉन्ग हुआ है पिपा आपा दो चार नृत्य का कार्यक्रम डांस प्रोग्राम भी मैं रखा ताकि लोग आपा संस्कृति ने दिखाए। इसके अलावा मैं और भी कोशिश में लाग रखा है कि बैठा सा आपा अगर कुछ मिल जावा है बैठे की लोक संस्कृति या बैठा को जी कि अपनों कठपुतली सोजन पपेट सो बोला आपा बीमा मेरे ला रखे हैं बीकी मेरे लाने की पूरी चेष्टा में है। अगर हो सके तो बेमे दिखाने की जरूर कोशिश करेगा प्रोग्राम के बीच में लोगाना की या आपने बैठक की है बोल करके। अच्छा अभी जहाँ पंकज जी बोलिया कि आपनों मारवाड़ी युवा जो है संगठित कोनी हो पा रहे हो, तो थारी सभापति तो मुझे अभी युवा मंच गठन हुए है तो अपन संगठित करने के लिए थे के सोचो कहीं अपन आगे बढ़ना चाहिए? देखो सबसे पहले तो माना युवा ने यह दिखाना पड़ सी कि युवा अपनो आज जो समाज अपनो उठा है बीमा युवा बहुत है, तो युवा ने कहीं आपा पहले तो केंद्रित करा एक जगह केंद्रित करा। केंद्रित करने का साथ ही युवा है तो बिना आपा ना सामाजिक काम आगे लगाना पड़ सी, तो सामाजिक काम का साथ साथ मनोरंजन भी माना हुआ कुछ बिगे हिसाब से लेकर आगे बढ़ना पड़ सी आपने। अबार केवल भी उन्होंने सामाजिक बोला तो हो सका यूथ अबार को नहीं आगे हुआ है, तो आपा चाहवा इस टाइप का प्रोग्राम करके समाज से भी लोग जुड़े और इससे जो अपना आमदनी हो सी जो भी हो सी जितना भी हो सी बिना आपा सामाजिक कार्य में आगे लगा हुआ तो विषय की उसी यूथ की मन में आभार से या चीज़ हो सी कि अपना समाज से जुड़ना है। अच्छा साहिल जी, जैसे अभी जो संगठित होने की जो बात हो रही है इसमें युवा लोगों में एक जनरल अभी अपने मारवाड़ी युवा में ये चीज़ देखने को मिलता है कि अपना जो बिजनेस है उस तरफ ध्यान पूरा बाकी समाज की तरफ या आपस में संगठित होके कुछ करें, क्योंकि एटलीस्ट मारवाड़ी अपने आप हम लोगों को ये समझना हमारे हिसाब से जरूरी है कि हमारी संख्या कम है तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकते। आपको क्या लगता है ये ऐसा लोगों का सोच क्यों है कि मतलब अपने को समाज की तरफ जाना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा है आज का जो लाइफ है पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। आजकल पहले एक इंसान के पास एक आम आदमी के पास एक मारवाड़ी आदमी के पास काफ़ी समय रहता था, तो उस समय वो टाइम में आदमी सोच सकता था कि हम समाज के लिए और काम करें, फ्री रहता था तो और उसमें जुड़े। लेकिन आज के दिन सब व्यस्त हैं, जैसे आपने बताया सब अपने बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो उस व्यस्त माहौल में वो समाज के लिए समय नहीं निकाल पाता है। लेकिन जैसे संजय जी ने बताया समाज बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, तो आज का ये जो कार्यक्रम युवा मंच बोल के जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे काफ़ी चीज़ उधर आगे आएगी जिसमें मनोरंजन भी होगा और एक समाज में करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा यंग जनरेशन को, तो वो अपॉर्चुनिटी जब दिखेगा तो लोग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे
और उसमें से कई लोग उसमें जुड़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा पंकज जी जहाँ थे जो फैशन शो भी करवा रहे हो महोत्सव में उमें अपने राजस्थानी कुछ मतलब पहरन भी होगा कि उन चीज को भी कुछ इस बार को नहीं हो पाओगे क्योंकि इस बार प्रोग्राम भी जल्दी में हो क्योंकि कल ये तैयारी करनी पड़ा ड्रेस वगैरह अलग से डिजाइन करानी पड़ा नॉर्मली अठारह राजस्थानी टाइप को फैशन तो आज तक भी हो भी को नहीं भविष्य में ये चीज़ में लोग ध्यान रखेंगे मतलब एक बार जो भी कार्यक्रम होगा बीमा अपना राजस्थानी पहरन का थीम पे फैशन शो होगा गो अभी जो फैशन शो आपने होगा यो थारा मॉडर्न लुक और अपना जो कल्चर जो है जो नॉर्मल कल्चर है बीप आधारित थीम पर जो है ना अभी का फैशन शो आपने रहोगे। अब एक छोटो सो ब्रेक ले वहाँ ब्रेक के बाद फिर बात में आगे बढ़ावा हाँ दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न भगवान श्री कृष्ण लाई जन्म दिने आमा को थीन ऑप्शन ए रोहिणी ऑप्शन बी देवकी ऑप्शन सी यशोदा र ऑप्शन डी सुभद्रा दिएका अप्सनहरू मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाईको गिफ्ट ह्याम्पर कनक डिजाइनर स्टुडियोका तर्फबाट 10 जनालाई डिस्काउन्ट कुपन प्रत्येक महिना सुन जस्तै देखिने गहना एक जनालाई प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल एक जनालाई पनि विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे माप्रो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। वाईवाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajaunat ko lagi Poonam Mehndi. Kanak Designer Studio Pasal number T23 ra 34 City Center Kamal Pokhari. Break ke baad aap sabko fir se swagat hai. Abhi aap baat cheet kar rahe hain Marwadi Yuva Manch Tadat Samiti ka adhyaksh Sanjay Agrawal और लॉर्ड बुद्धा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंकज जालान और जगदम्बा ग्रुप का साहिल अग्रवाल जी से आओ ये बातचीत ना फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा साहिल एज अ यंग एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है हमारे मारवाड़ी यंगस्टर्स में लीडरशिप लेने की क्वालिटी कितनी है? मारवाड़ी के ब्लड में ही बिजनेस होता है और लीडरशिप लेने की क्वालिटी उसमें पूरी होती है लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है लीडरशिप लेने का जो स्थान देना पड़ता है वो देने की कमी है थोड़ी जो पुराने जनरेशन से जो एक मोटिवेशन मिलना चाहिए एक यंग लीडर बनने के लिए उसमें थोड़ी कमी है वो अगर मिले थोड़ा सा रिस्क लें तो मारवाड़ी और यंग जनरेशन में लीडरशिप लेने की क्वालिटी पूरी होती है। अच्छा पंकज जी जो थे आपका बलबूता पर जो थारो कॉलेज स्थापना करया आज करीब करीब 14-15 वर्ष हो भी गया है तो और एक अच्छी पहचान बन चुकी है और इन ऊंचाई में पहुंचाने के लिए आगे और इनमें क्या जोड़ने की सोच बना रहे हो? शिक्षण पे मतलब लॉर्ड बुद्धा ने आगे भविष्य में विश्वविद्यालय बनाने की सोचा मतलब खाली गवर्नमेंट को एक रूल आने वाला प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल वो आने के बाद में हमारी सारी तैयारी पूरी है वो बिल जिस दिन भी आओ वो हो सके मेलो फर्स्ट हुआ वो दर्ता कराना वाला विश्वविद्यालय को तो आपके आपकी विश्वविद्यालय हुआ बोल करके हमारी उम्र सोच है और भी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नेपाल राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद ना कोई भी कोर्स में 2 सीट 50% स्कॉलरशिप में उपलब्ध करा रखा है। एजुकेशन अपना समाज के लिए कितनी जरूरी है आप खाली पीसा का पीसा भागें तो पीसा पीसा भाग का को नहीं होगा एजुकेशन में अपना समाज में जरूरी है थोड़ी अवेयरनेस आई है लड़की लोग ने आपा पढ़ाना चालू कर दिया मतलब थे 90% जो लड़के थाना मिलेगी अगर कोई और कोई कारण नहीं रहो नॉर्मल कंडीशन है तो वो लड़की ने जरूर पढ़ावा है दूसरा घर भेजनो इना ना ग्रेजुएशन तो कम से कम करा दो तो यो चेंज तो आयो है लड़की लोगों ने एजुकेशन लोग देने लग गया इको पॉजिटिव पॉइंट तो आपकी जगह है लेकिन एक सागे सागे एक चीज देखना यह भी मिला है जितनी लड़कियां एजुकेटेड होती जा रही है उतनी फैमिली में एडजस्ट को नहीं हो सके वे लोग अपना अपने अलग एक मतलब पहचान बनाने की कोशिश में रहा है जाके कारण फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो ये बात तक नहीं अब बताओ मथाने में
इसका पीछा कहीं न कहीं बिना को फैमिली इन्वायरमेंट जिम्मेवार है। बता दू जी फैमिली में जहाँ ज्वाइंट फैमिली है अगर और भैया को एक अर्का में पारिवारिक लगाव है, बी फैमिली को बच्चों नॉर्मली यहाँ को कोनी निकल जो न्यूक्लियर फैमिली है इमा कठे न कठे गार्जियन को दोष भी है के खाली थे बच्चा ना दोष को नहीं दे सको बिना न थे जैया की परवरिश दिया भैया को बच्चों निकल हुआ। तो इनिशियल फेज से बिकर दिमाग में या थारा फैमिली में या चीज थे दिमाग में डाल दो पढ़ना को मतलब अपने आप ना सोसाइटी से अलग शो करनो है या सोसाइटी के बाहर जाकर कुछ करनो है निगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में थे करो अलग पहचान बनाबो अलग चीज होगी, लेकिन निगेटिव से मैं अपने आप मॉडर्न दिखाना चाहूँ ये सब टाइप को जो है ना। तो इक्का दोष मैं परिवार ने देना चाहूँगा बच्चा ने को नहीं देना। जी 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 हाँ, थोड़ी देर पहले थे बताया कि अपना जो यूथ फेस्टिवल हो रहा है वो मैं अपने भारती सिंह ने बुला रहा हूँ, तो उन्हें नहीं चूज करने को के खास कोई कारण रहे है? खास कारण तो यहाँ कोई कार, लेकिन आज के दिन बा एक लेडी होते के साथ ही बहुत अच्छी हास्य कलाकार है भी है। जनरल आपा देखा यहाँ फील्ड में जेंट्स को ज़्यादा वर्चस्व हो रहा है, एक महिला होकर का भी काफ़ी अच्छा तरह से वो खूब लोगों का मन जीतता हुआ काम करने लग रही है। बीके अलावा भी कोई न्यू प्रोग्राम भी आ रहा है जिनमें शरीर से भी थोड़ी सी भारी होने का बावजूद बीमा देखो कितनी यह है कि बस एक झलक दिखला जाए जो इंडिया का जो प्रोग्राम है, तो बीमा भी वो जाकर के अच्छी प्रोग्राम देने लग रही, मतलब जिसमें कैपेबल है वह बी के बारे में दिखाया गया कि भाई कितनी नीची जगह से आई रही है और अपना अपना किस तरीका से ला करके इस स्टैंड पर ला के पोजिशन किया है। तो मैं चाहवा भी हिसाब से भी कि बिना बुलावा में साहिल जैसे जगदम्बा ग्रुप एक स्टैब्लिश ग्रुप है और नेपाल में उस ग्रुप के आप MD के रूप में हैं, तो आपको क्या लगता है जैसे बिजनेस करने के लिए या अपने वेंचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए खास क्या चीज की जरूरत होती है, एग्रेसिव अप्रोच या और कोई चीज है? सबसे पहले तो मेहनत चाहिए, हार्डवर्क चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके साथ किस्मत भी चाहिए, किस्मत बिना बिजनेस नहीं बन सकता है। और जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज है एक बिजनेस को सक्सेसफुल और बड़ा करने के लिए वो है ट्रस्ट, मतलब आपको एक विश्वास में काम करना आना चाहिए और एक विश्वास जीतना आना चाहिए बाजार मार्केट का, उसके बिना एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक बड़ा ग्रुप चलाना इजी नहीं है। संजय जी जहाँ थे लोग जो फनफेयर कर रहे हो एम जो फैमिली आने को वातावरण सेफ और फ्री इन्वायरमेंट हो जावे उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जी हाँ, कि आप अंदर में सिक्योरिटी सिस्टम पूरी अच्छी रखने लग रहा है, मैं बैठा सिक्योरिटी गार्ड पूरी टीम रहसी मारी बीके अलावा मैं सारा जितना भी मैं मारवाड़ी युवा मंचल समिति का मेंबर है मैं खुद बैठा रहूँगा, बीके अलावा मैं कुछ एक वॉलंटियर भी मेरा अपॉइंट करूँगा अभी दिन के लिए ताकि वे लोग बीटा माहौल पर नजर रख सके। और बीके अलावा मैं लोग अंदर में सारा CCTV वगैरह लगाने लग रहे हैं, मैं लोग अंदर प्रोजेक्टर वगैरह लगाऊंगा, बट कोई भी किस्म की आपन लाग सी कोई गलत काम हो रहा हरकत हो रहा तो मैं तुरंत एक्शन लेवाऊंगा। आप लोग हिमालय टेलीविजन का कार्यक्रम में आया इनके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार है और हिमालय टेलीविजन की तरफ से या छोटी सी भेंट या आपके लिए जी या आपके लिए धन्यवाद साहिल या आपके लिए। दर्शक वृंद अभी आप बातचीत कर रहा था युवा उद्यमी लोगों से भी यहीं मारवाड़ी युवा मंच तदर्थ समिति का अध्यक्ष से आप लोग घना की सब बात सुनिया और मैं सिर्फ यू ही कहना चाहूँगा कि अपनों जो समाज है वो अल्पसंख्यक है और अगर आप फूट के नहीं जुट के अगर चालिया तो आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सका हाँ। इतनों कहते हुए जाते जाते आओ देखा पिछला हफ्ता को दर्शक प्रश्न और उनका विजेता को नाम। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न यी मध्ये कुन फलफूलमा एक भन्दा बढी बिया हुन्छ? अप्सन ए आप, अप्सन बी अम्बा, अप्सन सी लिची, अप्सन डी आरू। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अम्बा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ। 9849840404 YY को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 9841556920 9841580895 9841525743 9849557816 9841954557 कनक्स डिजाइनर डिस्काउंट कूपन पाउनु हुने SMS कर्ताहरू ब्रिटानिया को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ
97212-38352 98447-33700 98495-80-81-70 98426-30888 98035-86-906 बधाई छ। विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98498-23804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, भगवान श्री कृष्णलाई जन्म दिने आमा को थिइन्? अप्सन ए रोहिणी, अप्सन बी देवकी, अप्सन सी यशोदा र अप्सन डी सुभद्रा। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, कनक डिजाइनर स्टुडियोका तर्फबाट 10 जनालाई डिस्काउन्ट कुपन, प्रत्येक महिना सुन जस्तै देखिने गहना 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सामसुङ मोबाइल 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। और अभी आप लोग जहाँ आप लोगों ने बताया मारवाड़ी युवा मंच का अध्यक्ष कि ये लोग एक युवा महोत्सव करने जा रहा है, तो उसमें आप सब लोग सहभागी हो ताकि ये लोग आपको भी एक उत्साह बढ़े और अपनो मारवाड़ी समाज भी कुछ नई चीज सिर्फ सेवा भाव और दान को जो आपने लिए एक नाम है कि मारवाड़ी समाज करे है उनके अलावा भी कुछ करे है, कुछ कर सके है, ये चीज ने बढ़ावो मिला आगे के लिए और आगे और नया नया कार्यक्रम आ सके, इसलिए आप सब सहभागी हो। इतनो कहते हुए मैं आप सब से विदा ले हूँ। अगले सप्ताह फिर नए सामग्रिया के सागर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए मने इजाजत दो और ऐ कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98498-23804 पर या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ कोई भी जानकारी अगर लेनी हो इन कार्यक्रम के बारे में तो आप लोग ले सको हो। वहीं अगर पुराना कोई एपिसोड देखना चाहो तो यूट्यूब में जाकर के सभी देख सको हो। नमस्कार। वाईवाई ज्ञान ज्योति सोलर लालटेन योजना, जब शिक्षित हुन्छन् सबै नेपाली तब समृद्ध हुन्छ हाम्रो नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन, हैव अ लाइफ कर एन्जॉय। ऑथराइज्ड डिस्ट्रिब्यूटर फॉर नेपाल किचन कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। गोपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। कनक डिजाइनर स्टुडियो पसल नम्बर T23 र 34 सिटी सेन्टर कमल पोखरी।